हेलो एवरीवन, आज मैं रिश्ता लेकर के हूँ आपके पास उत्तराखंड से। मैडम का ये कहना है कि अपने दम पर बहुत कमाया है, सब कुछ कमाया है, लेकिन एक जीवन साथी मैं अपने दम पर नहीं कमा सकी। ये मेरे अंदर कमी रह गई, क्योंकि आज तक मैंने जिसके ऊपर भी भरोसा किया, जिसको भी उस महिलाओं से देखा, वो साला कहीं ना कहीं चीटर निकला, धोखेबाज निकला, और वो अपने ही चक्कर में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा गया। अगर मैं उसके साथ शादी करती तो मैं उसको बहुत कुछ देती, क्योंकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। ये मैडम कह रही है अपने अपने हिसाब से। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस मैडम से मेरी बातचीत हुई है, और ये मैडम सच में बहुत ही अच्छी प्रोफाइल वाली हैं। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इनके पास अपने दम पर बहुत कुछ इन्होंने कमाया है, और वो आज के डेट में एक अच्छे इंसान के साथ शादी करके सेटल्ड होना चाहती हैं। मैडम रहती है उत्तराखंड में। मैडम की जो एज है वो है मात्र 29 साल, हाइट है 5.2 इंच, और दिखने में मैडम बहुत सुंदर होती है। मैं उत्तराखंड के लोगों की तारीफ ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। उत्तराखंड वाले लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप इंडिया में किसी भी कोने से हैं तो मैडम को कोई ऐतराज नहीं है। अगर आप उत्तराखंड में जाकर बसना चाहते हैं तो ये आपका और मैडम का सौभाग्य होगा, क्योंकि मैडम को ऐसे ही लड़का चाहिए कि जो उनके साथ रह सके, चाहे उत्तराखंड में हो या कहीं बाहर भी जाकर के मैडम सेटल हो सकती है। क्योंकि जो मैडम का बिजनेस है और जो मैडम की चीजें हैं वो ऐसे ही चलते रहती हैं, मैडम रहे या ना रहे। मैडम का बिजनेस ऑटो वे में उन्होंने अपना सेट करके रखा है। ऑटो वे का मतलब ये होता है कि अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक निगाहें डाल लीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप ही होता रहता है। तो इसलिए मैडम को कोई टेंशन नहीं है। अगर लड़का मैडम को अपने यहाँ भी ले जा करके रखना चाहता है तो आप रख सकते हो। अगर आप उनके यहाँ पर जा करके रहना चाहते हो तब तो बात ही अलग है। आपको ये रिश्ता पसंद है तो अभी अपना फोन उठाए, नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें, हमारे कस्टमर केयर अधिकारी से बात करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्द से जल्द फाइनल कराएं। मिलता हूं मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक, किसी नए रिश्ते के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।